हमें गांव में बहुत बड़ी समस्या रहती है कि घर घर से बुला के लाना पड़ता है महिलाओं को। और आपका क्या मानना है, आप कितने महिलाओं को पढ़ाती हैं? आपका नाम? मेरा नाम कमला देवी, छाता ब्लॉक से, मथुरा के छाता ब्लॉक से हूँ। हमारी मजबूरी नहीं है, आपने कहा था कि आपकी क्या मजबूरी है, आप 2000 पढ़ाते हो, हमारी मजबूरी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे भी अपने देश के लिए कुछ फर्ज है, तो सरकार को भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। 2000 रुपये में आजकल क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। अगर किसी का बच्चा भी बीमार हो जाता हम उसका 2000 रुपये में इलाज भी नहीं करवा पाते, तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि ये 2000 रुपये में हम क्यों काम कर रहे हैं। हम भी तो चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश साक्षर हो, जो जो किसी कारणों से नहीं पढ़ पाए हैं वो पढ़ जाएं, वो तरक्की कर जाएं। कोई हमारी महिला नहीं जानती कि ये बस कहाँ पे जाएगी, हम उन्हें साक्षर कर दें तो वो अपने आप अपनी जगह चली तो जाएगी, खो तो नहीं जाएगी। तो इसी वजह से हमारी ये मजबूरी नहीं है, हम अपना देश के प्रति अपना वो हमारा वो हम मतलब जागरूकता फैलाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। सरकार ने जब आपको भर्ती किया था तो आपको सरकार ने बोला था आपको साक्षर बनाना है, आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा? नहीं, ये नहीं बोला था, हमें बोला था कि मानदेय दिया जाएगा, और अब तो हमारा 32 माह से मानदेय भी नहीं मिला हमें, बताओ हम क्या करें। 32 महीने से हमारा पैसा नहीं मिला है हमें, अब बताइए 32 महीने से एक पैसा भी हमें नहीं मिला और हम काम कर रहे हैं, अब बताइए इससे ज़्यादा मजबूरी और क्या होगी। तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटी रोड पर हैं। देखो तो यही तो बात है कि आज बेटियां रोड पर हैं, बैठी हैं, किस वजह से बैठी हैं, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कोई सोचता नेता करते हैं, नेता जो देश के नेता है वो ही करते हैं, और कौन करता है? क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं? यही करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाएंगे तो जब जब जेब में कुछ पैसा होगा जब तो बेटी को कोई पढ़ाएगा। गाँवों में ज्यादातर लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ाते, और हमें क्यों लगाया गया, उसी वजह से लगाया गया है कि जिन किन्हीं कारणों से जो नहीं पढ़ पाए हैं उन्हें शिक्षित करना, और हम वो अपना काम कर रहे हैं और नियमित कर, और लेकिन सरकार सोचती नहीं है। 32 महीने से तो हमें हमारा पैसा भी नहीं मिला है, तो हमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद में हमारे बारे में नहीं सोचते हैं।